क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो टेस्ट में आपका था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? सबसे पहले आपको क्लास 1000 टू 1500, 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500, 3500 टू 4000, 4000 टू 4500 एंड 4500 टू 5000, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद है आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ, 24, 10, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7। पूछा क्या है? द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑन एजुकेशन, फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन बाय फैमिली। मैडम याचिका मिस, फ्यूचर में भूल गया तो मैं तो कट कर देंगे, ये जो पेपर है ना वो मैम को भी व्हाट्सएप डाल दूंगा तो देख लेंगे, ठीक है? चलेगा सर, एडिटिंग भी मैम ही करता है। यस, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑन एजुकेशन, फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय फैमिली। मतलब क्या लिखा हुआ, ये टेबल दे रखी है जिसमें लिखा हुआ है अलग अलग फैमिली का एजुकेशन पर खर्चा दे रखा है, एक्सपेंस आपको दे रखा है। और क्या पूछा है कि आप एवरेज निकालो, मीन निकालो हर फैमिली का एजुकेशन के ऊपर क्या खर्चा होने वाला है, जिसका जो खर्चा था वो सब लिखा हुआ है कि हर फैमिली का अपना अपना एक्सपेंस होता है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। और यहाँ क्या शो करना है कि हर फैमिली का अपने एजुकेशन पे एवरेज कितना खर्चा हो रहा है वो आपको शो करना है, क्लियर? यहां पर एवरेज जो है वो एक्सपेंस आपको शो करना है, ये चीज ध्यान में रखना। यस, क्या निकालना है यहां पे, मीन, मीन का मतलब क्या हो गया, एक्स बार, और x बार का मतलब होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ दैट इज। अब ये मीन आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर? पहली बात, ये सीरीज कौन सी है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूस है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, यस, कंटिन्यूस है। इंडिविजुअल सीरीज कब बोलते हैं हम, कब आप बोलोगे ये सीरीज इंडिविजुअल है? जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू दे, तो हुआ जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू दे रखी हो। और यहां पर क्या है, एफ भी है और क्लास इंटरवल भी। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या होता है, ऑनली फॉर एक्स दे रखा होता है, डिस्क्रीट में क्या होता है, एक्स भी होता है एफ भी होता है, और तीसरा क्या है, कंटिन्यू, जिसके अंदर आपका क्लास इंटरवल होता है और साथ साथ में फ्रीक्वेंसी होती, क्लियर? तो अभी यहां पर क्या है, क्लास इंटरवल फॉर्मूले में क्या पूछा है आपका, एफ एक्स, और एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ आपके पास गिवन है बट एक्स, और x निकालना है, या हम क्या करेंगे, x निकाल लेंगे। और x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, l1 plus l2 divide by lower value plus upper value divide by, ये होती है लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू बाय 2, यानी कि 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाय 2, 1500 प्लस 2000 डिवाइड बाय 2, 2000 प्लस 2500 डिवाइड बाय 2, 2500 प्लस 3000 डिवाइड बाय
3000 प्लस 3500 डिवाइड बाय 3500 प्लस 4000 डिवाइड बाय 4000 प्लस 4500 डिवाइड बाय और 4500 प्लस 5000 डिवाइड बाय, ठीक है क्लियर। तो कैसे आएगा इसका 1750 2250 2750 3250 3750 4250 4750, ठीक है। चलो ये आपको दे रखा है एफएक्स 1250 इंटू 24 कितना 30,000 1750 तो रेडी 70,000 नेक्स्ट वाला 74,200 नेक्स्ट 77,000 97,500 82,000 68,000 200 तो इसका 48,000 ये क्लियरली दिख रहा है क्या? यस ग्रेट। चलिए एफएक्स मल्टीप्लीकेशन हो गया क्लियर। अब फॉर्मूला अगर हम पुट करें समेश एफएक्स, अब इसकी टोटल समेशन एफएक्स कितना आ रहा है? सॉरी 480,000 क्लियर। तो क्या आ जाएगा आपका 480,000 डिवाइड बाय समेशन एफ, ये समेशन एफ कितना आ रहा है 4,80,000 डिवाइड बाय 178060 कैंसिल, फिर कितना आ रहा है 2823.52 वाला अपना करेक्ट आंसर है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है ना। सेकंड वाला आप करो, यस सेकंड में ही करो, देन उसके बाद है सेकंड। फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्लास दे रखी है 25 to 29, 32, 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, and 55 to 59। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पर 14, F, 14, 22, 16, 6, 5, 3 and 4, ठीक है। आपके पास पेपर व्हाट्सएप आ गया है क्या? पेपर व्हाट्सएप आ गया है क्या आपके पास? हाँ तो उसी सब क्वेश्चन नंबर टू है, ये क्वेश्चन नंबर टू बेटा यहाँ बोर्ड पे नहीं दिखे ना, तो आप उसमें देख लेना जो व्हाट्सएप आया उसमें,
पेपर नंबर जो ये क्वेश्चन नंबर टू है, हाँ क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर? हाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो यहाँ पर ये ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है? मैंने नहीं एक्स बार, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ दैट इज एम, यही होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ इक्वल टू एम। अब जो मेन चीज है यहां पर आपको एफ निकालना है और एफ आपके पास गिवन है, क्या निकालना है? एल वन प्लस एल टू डिवाइड बाई टू, एल वन प्लस एल टू डिवाइड बाय टू। इंपॉर्टेंट जो चीज है ना इस क्वेश्चन में वो क्या है, हमेशा मैंने क्या कहा था कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या होता है, पिछले की हायर अगले की क्या बनती है, यही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कितना दे पा रहा है दोनों में, नॉर्मली अपन ने क्या बताया है कंटिन्यूस सीरीज का मतलब होता है लास्ट की हायर नेक्स्ट की क्या बनती है, लोअर बनती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या 29 के बाद नेक्स्ट क्या रहा, 34 के बाद 39 के बाद 40 के 44 के बाद 49 के बाद और 54 के बाद, इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज कंटिन्यूस नहीं है, हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपन जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज, कंटिन्यूस का एक ही रूल होता है कि पिछले का हायर नेक्स्ट का लोअर बनता है, बट इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है। तो अब आप इस केस के अंदर इनके बीच में जो गैप है इसको क्या करोगे, रिमूव करना पड़ेगा, और गैप रिमूव करने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कितना लेंगे अपन, कितना गैप है शिवम, कितना गैप है, वन का गैप है। इस वन का हम क्या करेंगे हाफ करेंगे, और हाफ इस वैल्यू में तो क्या करेंगे और नेक्स्ट वाली वैल्यू में प्लस। अब दिख रही बेटा स्क्रीन आपको, देख चलिए ये क्वेश्चन विजिबल है, मैं जो बोल रहा हूं वो वॉल्यूम क्लियर आ रहा है आपको? चलिए वापस बोल रहा हूं, निकालना क्या एक्स बार, फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, एफ एक्स के अंदर एफ आपको गिवन है, एक्स निकालना है। लेकिन इस एक्स निकालने से पहले पहले इस सीरीज को क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्लास को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो पहले हायर है वो नेक्स्ट ही लोअर बनानी पड़ेगी, जब तक वो नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना। तो आप देखना यहां पर क्लास इंटरवल दोबारा ठीक है, कितने का गैप है आपका, वन का, 30 माइनस 29 बोले तो भी, 35 माइनस 34 बोले या 40 माइनस 39 बोले, सब में कितने का गैप आ रहा है, इसको अपन क्या करेंगे डिवाइड बाय, तो कितनी वैल्यू बचेगी 0.5, और 0.5 को लोअर वैल्यू में तो क्या करेंगे माइनस और अपर वैल्यू में प्लस, 25 के अंदर हम 0.5 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 24.5, और जो हायर वैल्यू उसमें क्या करेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो हाफ आया उसको हम लोअर वैल्यू में क्या कर रहे हैं प्लस, लोअर वैल्यू में माइनस कर रहे हैं, और हायर वैल्यू में प्लस, ये लोअर वैल्यू है इसमें क्या कर रहे हैं हम माइनस, और इसके अंदर नेक्स्ट में भी सेम हो जाएगा 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5,
39.5 से 44.5 से 49.5 45.5 से 54.5 एंड 54.5 से 59.5। पिछले की हायर, नेक्स्ट की लास्ट की हायर, लास्ट की हायर, लास्ट की हायर, लास्ट की हायर। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंटिन्यू सीरीज में हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स के अंदर एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स कैसे निकालोगे आप, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय कितना आ रहा है, 24.5 प्लस 29.5 डिवाइड बाय कितना आ रहा है। आपने किया नहीं है, मैंने सर मैंने करा पर सही नहीं है, मैंने सर ये बना दी सही बनाई। ठीक है, तो ये एक्स क्यों निकल, इसने निकालना कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। आप देखो 29, 53, 29, 54, 55, 27 आएगा। 27 नेक्स्ट वाला आएगा आपका 29.5 से 34.5 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, 0 14 33 30 नहीं, या इसकी टोटल करोगे तो आप कितनी आ रही है, 64 आएगा। बिल्कुल 64 डिवाइड बाय 2 32, फिर आएगा आपका 37, 47, 52 एंड 57। सब में गैप सेम, पांच पांच का 11, इनके बीच में गैप कितना है, इसमें भी गैप कितना है, इसमें भी गैप कितना है, दो वैल्यू निकालने के बाद अपना आइडिया लग जाएगा सब में क्या है, पांच पांच का। एफ एक्स FX, yes, FX में क्या 27 × 14 कितना आ रहा है, 14 × 27 नेक्स्ट क्या आ रहा है, 22 × 32 16 × 37 6 × 42 5 × 47 3 × 52 एंड 4 × 57 ये आ रहा है। यस, इसमें लिखा हुआ थोड़ी कौन सा मेथड फॉलो करना है, ये नहीं लिखा हुआ है कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो आप उस केस में आपको जो सूटेबल लगे वो मेथड अपन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है और कंटिन्यूस फॉर्म में लाने के लिए हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको चेंज करना पड़ेगा। जहां पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म आ रही, दिस इज इंक्लूसिव मीन में सर, मीन में, और मीन में ही होगा ये, मीडियन में होगा। अगर ऐसी सीरीज आ भी जाए तो भी कोई चेंज नहीं करना, सीधा हो जाएगा क्वेश्चन। यहां अपने को चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल दैट इज इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव मैंने इसको किसमें कन्वर्ट किया, एक्सक्लूसिव के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ रहा है, 3 7 8 8 8 7 0 4 8 7 0 4 5 9 2 2 52 256 156 128 8 4 8 12 14 16 16
4 में 16 into 12 14 16 plus 5 21 27 or 8 35 sir 7 or plus 3 10 9 90 24 27 32 34 0 3 6 7 6 13 18 20 22 21 20 23 25 2 5 4 5 तो यह फॉर्मूला आ जाएगा 2 5 4 5 डिवाइड बाय 2 4 5 सॉरी 2 5 2 4 5 2 4 वही नहीं सकता तो आपने 2 5 को लिखा 2 5 4 5 हां अभी क्या 2 5 हां तो आपने ना 2 5 4 5 डिवाइड बाय 7 ये 70 है टोटल हां 70 समेशन f इक्वल टू सर मेरा सही है क्लियर डिवाइड करो कितना आ रहा है सर अगर अपन डिवाइड करो कितना आ रहा है सर अगर अपन बिना वो बनाए अगर सॉल्व करते हैं तो इसको रॉन्ग है मेरा तो आंसर सही आ रहा है कंटीन्यूअस फॉर्म चाहिए ना सर सर आंसर ही आ रहा है ऐसा ही है बिना वो ऊपर बोल रहा है तो भी आप बनानी पड़ेगी कोई बात नहीं पड़ेगी बिल्कुल इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाओगे नहीं तो फिर उसका मतलब ही खत्म हो गया ना कितना डिवाइड करो थ्री सिक्स पॉइंट 357 दैट इज योर आंसर और करेक्ट आंसर ठीक है डिवाइड करके अपन सर थ्री पर क्यों लिखना है सर अभी बाद में करेक्ट वैसे मैं इसका करेक्शन कर लूंगा ना हाँ उस टाइम करना मैं अभी ठीक है सर अगर मैंने सर 27 26 लिखा था रॉन्ग है ना नहीं पर उसमें ये कुछ मार्क्स मिलेंगे इतना सब कुछ क्योंकि मैंने इंटू करके करा 304 आ रहा 378 ठीक है बाकी सब वापस सर वापस सही बाकी सब सही है ये भी आपने किया है मार्क्स में क्लियर है याद तक पक्का चलिए 0 टू 10 10 टू 20 22 32 42 52 and 62 52 60 yes sir where f 12 18 12 18 27 20 17 17 17 and 6 ठीक है अब यहां क्या लिखा हुआ स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करके अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है और आपको मैंने बताया था मीन By using step deviation method. ठीक है step deviation method का पहले formula क्या होता है अपन उसकी बात करें x bar equal to a plus summation f d dash upon summation f जिसको हम n बोलेंगे और into आएगा आपका क्लियर इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालना है आपको ए और ए का मतलब होता है जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें से किसी एक वैल्यू को आपको क्या मानना है ए मानना है बट क्या इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू गिवन है यस और नो तो हम पहले क्या निकालेंगे एक्स और एक्स का मतलब होता है एल वन प्लस एल टू डिवाइड बाई टू क्लियर जीरो प्लस टेन डिवाइड बाई टू टेन प्लस ट्वेंटी डिवाइड बाई टू ट्वेंटी प्लस थर्टी डिवाइड बाई टू थर्टी प्लस फोर्टी डिवाइड बाई टू फोर्टी प्लस फिफ्टी डिवाइड बाई टू और फिफ्टी प्लस सिक्सटी डिवाइड बाई फाइव फिफ्टीन थर्टी फाइव फोर्टी फाइव एंड 55 क्लियर राइट
अब हमें ए मानना है, ए ए का मतलब होता है नॉर्मली तो एक्स की कोई भी वैल्यू और एक्स के बाहर की भी कोई भी वैल्यू अपन ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज हम ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, मिड वाली, सॉरी यस सिक्स भी ले सकते कुछ भी लो एनी एनीथिंग बट अपन मिड वाली वैल्यू ले लेते हैं, मिड कितनी है 25, ए कितना हो गया आपका क्लियर, और हमें क्या चाहिए डी डैश, उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा डी, और डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, यानी कि 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25 एंड 55 माइनस 25, -20, -10, 0, 10, 20 एंड क्लियर डी आ गया, पर हमें क्या चाहिए डी डैश चाहिए, और डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन आई, और आई का मतलब इन दोनों के बीच में गैप, चलो कोई ना, डी डैश इक्वल टू डी अपॉन आई, -20/10, 10/10, 0/10, सॉरी 10/10, 20/10 एंड 30/10, तो क्या आ जाएगा -2, 1, 0, 1, 2 एंड अब क्या चाहिए एफ डी डैश -2 × 12 -24, 1 × 18, 18, 0 × 27, 0, 1 × 20, 20, 2 × 17, 34 एंड 3 × 6, 18, तो अब आप देखिए 8 और 4, 12 और 8, 0, 1 and 2, 3 and 2, 5, 8 and 9, -24, कितना जाएगा 6 एंड देन आ जाएगा 6, 16, 6, ए कितना आपका 25 प्लस समेशन एफ डी डैश कितना है 66, समेशन एफ का मतलब इन सब की टोटल कितनी आ रही है 100, और आई कितना आपका 10, 1060 कैंसिल, 25 प्लस 6.6, एक जीरो है एक संख्या छोड़ के आप क्या करते हो तो पॉइंट लगा सकते, तो कितना आ जाएगा 31.6, दैट इज योर आंसर। एनी डाउट, तो शॉकिंग, तो ऐसी चीज जो आपको लगता वाले ये क्या हो गया, ये रही है और ऐसी पढ़ाया था पहले भी, क्लियर, क्या मिस्टेक है वो देखो, ये माइनस 10 है, ये माइनस होगा और ये भी ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 40, ये आ रहा है, ये तो आपका आ जाएगा, ये 18 से ये 18 है, यस ये 18 से ये 18 कैंसिल, तो ये आएगा आपका 30, क्या आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, 1 0 6 कैंसिल, तो क्या आया 25 + 3, दैट इज 20, आप ये माइनस कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4, हर्षिता प्रांजल सबसे पहले जीवन इनकम
100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200. Number of worker. Number of that is your F. ठीक है, वो कितना देखा 12, 14, 8, 6, 9. कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? प्रांजल, ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? हाँ, यस। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें ये कौन से सीरीज में है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? गिव मी रिप्लाई फास्ट। आवाज नहीं आ रही बेटा? मैं वापस आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं। इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ एस की वैल्यू होती है, डिस्क्रीट के अंदर एक्स और एफ दे रखा होता है, और कंटिन्यूस के अंदर क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। इसका मतलब ये कौन सी सीरीज आपकी कंटिन्यूस सीरीज है जिसके अंदर आपका क्लास, इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब आपको क्या क्या निकालना है? मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना और मोड भी निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे? मीन। x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, जिसको हम कैपिटल एन भी बोलते हैं। एफ हमारे पास है बट एक्स नहीं है, नहीं है। और x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 डिवाइड बाय लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2 एंड लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2। दैट मींस ये आपका आ रहा है 32, 42, 52 and 62. स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करके अर्थमेटिक मीन 120 है ना, 110, 130, 150, 170 एंड 190। क्लियर? एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन 1320, 1200, 7260। तो यहाँ आ जाएगा 7260 डिवाइड बाय समीशन एफ कितना है? 50। दैट इज योर समीशन एफ। 1060 कैंसिल, 1 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 0.2। टू जीरो लिखो या 0.2 लिखो, एक ही मतलब। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? मीडियन। दूसरा क्या आपके पास? मीडियन, दैट इज एम। L1 प्लस N बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू, और मीडियन में सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ती है? सी एफ। मीडियन में सबसे पहले क्या निकाल, जब आपको क्लास एक कंटिन्यू सीरीज होती है तो सबसे पहले आपको निकालना होता है सी एफ।
सी एफ 12, 26, 34, 40 एंड देन 10, 50. अब क्या इसके अंदर n by 2 यानी कि 50 upon 2 that is 25, 25 से ठीक बनी CF 26 और 26 के सामने क्लास इंटरवल आपका 120 से 140 तो 120 तो आपका हो जाएगा L1 CF 26 ठीक है उसके बाद C जो है वो 12 CF sir n by 2 से जस्ट पहले वाला वो क्या होता है आपका सी एन बाई टू में आपके 26 आया ना उससे जस्ट सी का मतलब जो आपका मीडियम क्लास आई उसके जस्ट पहले वाली उसके बाद एफ इसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 14 और आई का मतलब गैप दैट इज तो एल वन इज 120 प्लस 25 माइनस 12 अपॉन 14 इंटू 10 120 प्लस 13 अपॉन 14 इंटू 20 7 ऑन 10 तो यह आ जाएगा आपका 120 प्लस 130 अपॉन 7 सॉरी ये 2 टाइम्स 10 है 130 सर देखो टाइटल को इंटू के 20 ये 14 है मैंने इसको ब्रेक कर दिया है आप लोगों ने किया बाकी मैंने क्या किया इसको शॉर्टकट कर दिया 10 कर दिया तो 10 और इधर मैंने कर दिया 7 130 120 प्लस 1 टाइम 6 बचा 8.5 एंड 7 तो 138.57 सही है परफेक्ट क्लियर कोई डाउट नहीं तो बीन फॉर व्हीलर आ गया नेक्स्ट जब आएगा आपका यस नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं किसकी मोड और मोड का फॉर्मूला होता है हमारा मोड z इक्वल टू l1 प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस सबसे पहले तो f1 f1 का मतलब जो फ्रीक्वेंसी सबसे हायर है दैट इज 14 उससे जस्ट पहले वाली f0 उसके जस्ट आगे वाली 8f2 l1 जो आपका मीडियम क्लास है मतलब f1 है सॉरी एफ वन का क्या है मीडियम क्लास दिया है आपका तो एल कितना जाएगा आपका 120 और आई आपका है 20 120 प्लस 14 माइनस 12 2 इंटू 14 माइनस 12 माइनस 8 इंटू 20 120 प्लस 2 अपॉन 28 माइनस 20 इंटू 20 120 प्लस 40 अपॉन 8 120 प्लस 5 दैट इज 120 ये आपका क्या निकला सर मेरा 122.2 आ रहा है 2 और ये 28 माइनस 20 8 5 सही है वो तो तेरे क्या कैलकुलेशन देख लो ना कहां इशू आ रहा है मैं मीटिंग है मैंने बोल भी था बीआर मीटिंग कर दो मैंने मैं मीटिंग है Yes. Question number 5. Given क्या है आपके पास एक्सपेंडिचर 100 to 150 house बता इसे इतने सीखने तो रखी यस इसका हाउस देन उसके बाद हाउस होल्ड 6-7 दैट इज एफ 6-7 12 12 3 2
बच्चों आपको क्लियरली दिख रहा है बोर्ड में? हाँ नहीं दिख रहा है क्यों? याशिका मिस अब शो हो रहा है क्लियरली बेटा? प्रांजल अक्षिता आप दिख रहे हैं क्लियरली? ब्लर हो गया ऐसा? यस सर। जस्ट अ मिनट सर, ये तो कलर वाइट कलर कर दीजिए। चलो जी ये वाइट अब ठीक है? यस। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? एक्स बार मी समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, दैट इज कैपिटल एन। क्लियर? कौन सी सीरीज है ये? इंटीजर डिस्क की कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूस है। एफ तो गिवन है, एक्स निकालना, और एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है एल वन प्लस एल टू डिवाइड बाय 100 प्लस 150 डिवाइड बाय 2, 150 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, 200 प्लस 250 डिवाइड बाय 2, 250 प्लस 300 डिवाइड बाय 2 एंड 300 प्लस 350 डिवाइड बाय 2। ये आपका आ जाएगा 125, 175, 225, 275 एंड 320। Am I right? अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला में? एफ एक्स एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई 750 650। Any doubt? ये है मल्टीप्लीकेशन ऑल ऑफ यू क्लियर? टोटल 5, 5, 10, 7, 8, 10, 15, 5, 7 or 8, 8 or 10, 10, 17, 17 and 6, 24 and 0, 30, 0, 2 and 3, 3, 6, 6, 0, 5, 0. ये मल्टीप्लिकेशन सही है, 750 आ रहा है। 1225 2700 725 650 यही आ रहा है? नहीं किया आपने? यस ये आ रहा है टोटल, सब मल्टीप्लिकेशन यही है पक्का? हां सर मल्टीप्लिकेशन तो यही है, एडिशन
एडिशन मिस्टेक है ना, अभी अपन चेक कर लेना, 5 5 10 0 केरी 1 5 6 6 into 8 8 10 15 5 1 7 plus 1 8 10 17 24 and 6 30 0 2 3 3 and 3 36 clear, 1 here 6050 divided by summation f कितना आ रहा है 30 30 3 0 0 0 cancel 2 times 0 2 times 0.33 202.33 Second median m equal to l1 plus n by 2 minus c upon f into i. Sir, उधर minus c भी नहीं है. Sorry. N upon 2. नहीं, c f अलग चीज़ है, c a c अलग चीज़. अरे c c i. ठीक है. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सी एफ 6 7 13 25 28 and then 30 n by 2 30 divided by 2 that is 15 से ठीक बड़ी सी एफ 25 25 के सामने क्लास इंटरवल 200 टू 2 50 200 टू 2 50 l1 200 C का मतलब होता है जो आपका क्लास इंटरवल आया है उसके जस्ट पहले वाला, तो कितना आ गया. F का मतलब गैप, कितना गैप है, 50 का गैप है. और F के अलावा और क्या, I का मतलब गैप है 50. F का मतलब जो मीडियम क्लास आया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी, ठीक है. So, L1 आपका 200, N by 2 25, minus C 13, divided by F. F कितना आपका 12 into 50. 200 plus 12 upon 12 into 50. Cancel. 200 plus 50, that is 250. Sir, मैंने L ही लेस नहीं जाता थी. Clear है? प्रांजल हर्षिता एनी डाउट, आपको क्लेरिफाई हो रहा है. नेक्स्ट थर्ड क्या आपका मोड, दैट इज एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो एफ टू इंटू आई. या 8 to 5 है, क्या है 6150, यह आएगा 6150, तो यहां आपका आ जाएगा 2 0 and 5. Thank you.
जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको क्या कहलाता है एफ वन, एफ वन इक्वल टू 12, तो एफ जीरो जस्ट पहले वाली 7, एफ टू जस्ट आगे वाली दैट इज 3। एफ वन जो है वो एफ वन की जो क्लास इंटरवल है वो आपकी कहलाएगी मोड क्लास 200 टू 250, और आई का मतलब होता है इनके बीच में गैप। तो 200 प्लस एफ वन आपका है 12, एफ जीरो है 7, 2 इंटू 12 माइनस एफ वन माइनस सॉरी एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई 50, 200 प्लस 5 अपॉन 24 माइनस 10 इंटू 50, 200 प्लस 5 अपॉन 14 इंटू 50, 200 प्लस इसको कैंसिल किया 25 एंड देन 7, तो ये आपका आ जाएगा 125 अपॉन 7, 0 प्लस 1 टाइम 6 टाइम 1 टाइम 6 टाइम पॉइंट 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 216.42। प्रांजल, हर्षिता, क्लियर है या डाउट है? क्लियर हो रहा है? या हम लोग जो लिखते हैं ना, इधर देखो आप, या हम लोग n by 2 कितना है? 15, 15 माइनस 13, 2, 100, सॉरी, फिर क्या क्या ये यहाँ पे किया हुआ ना, अपन ने, 100 पर 2 है, अपन इसको इधर ले लेते हैं, 6 टाइम्स, तो आ गया 50 अपॉन 6, 200 प्लस 8.33, 208.33। अब हम यहां बात करते हैं कि यहां पर भी करेक्शन, इट में भी करेक्शन हो सकता है। 12 माइनस 7, 10, 24, 25, 125 डिवाइड बाय 7, 12 माइनस 7 और 10 माइनस 10 और ऊपर आ रहा है 5, 12 माइनस 7 दैट इज 5, 5 अपॉन 14, 25, 7, 125, 7, 1 टाइम्स 7, सेवन टाइम्स 49, 6, 8, 17.85। बच्चों ये थोड़ा सा कनेक्शन है, देख लेना।